नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत आज झांसी के खाती बाबा स्थित बाल भारती इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता संगोष्ठी ट्रैफिक वार्डन नीलम शर्मा के संयोजन तथा थाना प्रभारी प्रेम नगर संजय शुक्ला के मुख्य आतिथ्य और कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष व बाल भारती इंटर कॉलेज के संस्थापक अब्दुल रफीक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में TI झांसी कन्हैया लाल, झांसी की प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर श्रीमती अनीता चौधरी, वरिष्ठ चीफ ट्रैफिक वार्डन शिव प्रताप तिवारी, चीफ ट्रैफिक वार्डन भूपेंद्र खत्री, MS राजपूत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पंडित सिया राम शरण चतुर्वेदी मौजूद रहे। संगोष्ठी की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत और विद्यालय प्रबंधक अरशद खान ने स्वागत भाषण के साथ की। कार्यक्रम में यातायात जागरूकता पर हुई निबंध प्रतियोगिता में विजयी रहे अनामिका अंजलि सिंह, देव शाक्या और इलमा हसन को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने छात्रों को विभिन्न प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं में लगने वाली धाराओं के बारे में जानकारी दी तथा वर्तमान में चल रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आवश्यक टिप्स भी दिए। कार्यक्रम में उपस्थित TI कन्हैया लाल ने छात्रों को प्रमुख ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में ट्रैफिक नियमों के महत्व तथा लाभ के पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आयोजक मंडल के सदस्यों अंबिका श्रीवास्तव, अंकुर भट्टा, जुगल किशोर, आशुतोष किलपन, कालका प्रसाद, राशिद पठान, अंकुर उपाध्याय, शिवम, संजीव दुबे आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर जाकिर खान, शैलेंद्र यादव, आनंद मिश्रा, सीमा सक्सेना, अनिल साहू, मोहम्मद शाहिद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नैन्सी रायकवार ने तथा आभार पंडित सिया राम शरण चतुर्वेदी ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।